गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम निशा माइकल, योर संस्कृत टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 9, बालिका नृत्यति. लेसन 9, बालिका नृत्यति. बच्चों, इस लेसन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है. इस लेसन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है. और प्रथमा विभक्ति क्या होती है? किसी भी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है. कोई भी काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है. और कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है. संस्कृत में कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है. इसका चिन्ह होता है ने, और कर्ता जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है. काम को करने वाला संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है. तो बच्चों, चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. पहले हम इसकी संस्कृत देखेंगे, फिर उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे. सह खेलती, वह खेलता है. कह खेलती, कौन खेलता है. बाल कह खेलती, लड़का खेलता है. तो खेलते हैं, वे दो खेलते हैं. तो का अर्थ है वे दो. वे दो खेलते हैं. को खेलते हैं, कौन दो खेलते हैं. बाल कह खेलते हैं, दो लड़के खेलते हैं. ते खेलंती, वे खेलते हैं. ते का अर्थ है वे खेलते हैं. के खेलंती, कौन खेलते हैं. बाल कहा खेलंती, लड़के खेलते हैं. का नृत्यति, कौन नाचता है. बालिका नृत्यति, लड़की नाचती है. अत्र के नृत्यतः, अत्र का अर्थ है यहाँ. अत्र का अर्थ है यहाँ. यहाँ कौन नाचता है. अत्र बालिके नृत्यतः, यहाँ दो लड़कियाँ नाचती हैं. अत्र कहा नृत्यंती, यहाँ कौन नाचता है. अत्र बालिकाः नृत्यन्ति, यहाँ लड़कियाँ नाचती हैं. एषा बालिकाः, यह लड़की है. बालिका खादती, लड़की खाती है. बालिके खादते हैं, दो लड़कियां खाती हैं. बालिका का अर्थ है एक लड़की, और बालिके दो लड़कियां, और बालिका लड़कियां बहुवचन. बालिका एकवचन है, बालिके द्विवचन है, और बालिका बहुवचन है. नेक्स्ट पैराग्राफ, एष्य है सिंह है. यह है शेर है. सिंह है धावती, शेर दौड़ता है. सिंहो धावते, दो शेर दौड़ते हैं. सिंहा धावंती, शेर दौड़ते हैं. एष्य है बालकः,
यह लड़का है। बालक है पढ़ती, लड़का पढ़ता है। बालको पढ़ते हैं, दो लड़के पढ़ते हैं। बालका पठंती, लड़के पढ़ते हैं। ये था बच्चों इस लेसन का हिंदी अनुवाद। एक बार फिर से देख लीजिए। स खेलती, वह खेलता है। स का अर्थ है वह, खेलती खेलता है। कह खेलती, कह का अर्थ है कौन, खेलती खेलता है। वह खेलता है, कौन खेलता है। बालकह खेलती, लड़का खेलता है। तो खेलते हैं, वे दो खेलते हैं। को खेलते हैं, कौन दो खेलते हैं। बालको खेलते हैं, दो लड़के खेलते हैं। ते खेलंती, वे खेलते हैं। के खेलंती, कौन खेलते हैं। बालकः खेलंती, लड़के खेलते हैं। क नृत्यति, कौन नाचता है। बालिका नृत्यति, लड़की नाचती है। अत्र के नृत्यते है, यहाँ कौन नाचता है। अत्र बालिके नृत्यते है, यहाँ दो लड़कियाँ नाचती हैं। अत्र कहा नृत्यंती, यहाँ कौन नाचता है। अत्र बालिका नृत्यंती, यहाँ लड़कियाँ नाचती हैं। एषा बालिका, यह लड़की है। बालिका खादती, लड़की खाती है। बालिके खादते है, दो लड़कियाँ खाती हैं। बालिका खादंती, लड़कियाँ खाती हैं। एषः सिंह है, यह शेर है। सिंह है धावती, शेर दौड़ता है। सिंहो धावते है, दो शेर दौड़ते हैं। सिंहा धावंती, शेर दौड़ते हैं। एषः बालकः है, यह लड़का है। बालकः पठती, लड़का पढ़ता है। बालको पढ़ते हैं, दो लड़के पढ़ते हैं। बालकः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं। तो बच्चों ये लेसन आपको अच्छे से समझ, इसका हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से रीड कीजिएगा अपने से विद हिंदी, ताकि आपको और क्लियर हो जाइए। तो बच्चों चलिए अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है शब्द अर्थ। सह वह, कह कौन, खेलती खेलता खेलती है। बाल कह लड़का, तो वे दो, को कौन, बाल को दो लड़के, ते वे, के कौन, बाल कहा बच्चे लड़के, का कौन, नृत्यति नृत्य करता करती है, बालिका लड़की, अत्र यहाँ, बालिके
दो लड़कियां, का कौन, बालिकाः लड़कियां, खादती खाता खाती है, सिंह है शेर, सिंहो शेर, सिंहा शेर, धावती दौड़ता दौड़ती है, पढ़ती पढ़ता पढ़ती है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस देखिए और लिखिए। यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है, कुकुरे धावती। क छात्र लिख, तो लिख का क्या हो जाएगा, लिखती, छात्र है लिखती। नेक्स्ट इज अन्वीक्षा नम, नम की जगह क्या, नम का क्या हो जाएगा, नमती, अन्वीक्षा नमती। सूपकार है डैश, सूपकार है पच का क्या हो जाएगा, पचती, सूपकार है पचती। नेक्स्ट बालक है खेल, खेल का क्या हो जाएगा, खेलती, बालक है खेलती। रमेश पठ, पठ का क्या हो जाएगा, पढ़ती, रमेश शह पढ़ती। छात्र है लिखती, अन्वीक्षा नमती, सूपकार है पचती, बालक है खेलती, रमेश है पढ़ती। एक्सरसाइज नंबर टू, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। खग है बालिका, दुग्धम भोजनम अश्व है। नेक्स्ट साइड लिखा हुआ है धावती कूजती पटती पीबती पचती, ये हमें मैच करने हैं। खग है क्या आएगा, खग है किसको हम किससे मैच करेंगे, खग है को कूजती, खग है कूजती, खग है कूजती। बालिका, बालिका को किससे मैच करेंगे, पटती, बालिका पटती। दुग्धम, दुग्धम को मैच करेंगे पीबती, दुग्धम पीबती। भोजनम, भोजनम को मैच करेंगे पचती, भोजनम पचती। अश्व है, अश्व को मैच करेंगे धावती से, अश्व है धावती। साइड में नंबर्स डाल लीजिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। खग है कूजती, बालिका पढ़ती, दुग्धम पीबती, भोजनम पचती, अश्व है धावती। एक्सरसाइज नंबर थ्री, कोष्ठक स्थित धातु के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, बालक है पढ़ती। फिर है के बालिका, बालिका, तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, बालिका के साथ लिखंती, बालिका के साथ क्या आएगा, लिखंती, बहुवचन है बालिका तो इसके साथ हम लिखेंगे लिखंती। नेक्स्ट इज अम्बा, अम्बा डैश पच, पच का क्या हो जाएगा, पचती, अम्बा पचती। नेक्स्ट इज पितामह, पितामह वध, वध का क्या हो जाएगा, वधती, पितामह वधती। छात्रों, छात्रों द्विवचन है तो द्विवचन के साथ क्या लगाएंगे, खेलते हैं, छात्र हो खेलते हैं, छात्रों खेलते हैं। नेक्स्ट इज छात्रे, छात्रे के साथ धाव का क्या हो जाएगा, धावते हैं, छात्रे धावते हैं, छात्रे द्विवचन है छात्रे
तो इसके साथ लगाएंगे धावते हैं। बालिका लिखंती, अम्बा पचती, पितामह वदती, छात्रों खेलते हैं, छात्रे धावते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, रेखांकित पदों के स्थान पर उचित सर्वनाम पद लिखिए। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है इस वर्ड के स्थान पर सर्वनाम लिखना है हमें, तो उदाहरण दिया हुआ है जिस तरह से, देखिए उदाहरण दिया गया है आपको, बालकः पठन्ति, तो बालकः की जगह क्या हो गया ते, बालकः का बालकः है बहुवचन, तो इसमें क्या हो गया बालकः बहुवचन में के लिए हमने क्या यूज किया ते, वे। बालकः पठन्ति, लड़के पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे पढ़ते हैं। देखिए के, खगः कूजति, खगः कूजति, खगः की जगह क्या हो जाएगा सह, क्या हो जाएगा सह, सह कूजति, खगः कूजति, सह कूजति। नेक्स्ट इज बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाः नृत्यन्ति, तो बालिका की जगह क्या हो जाएगा तः, त नृत्यन्ति, त नृत्यन्ति। नेक्स्ट इज अजा चरती, अजा की जगह क्या हो जाएगा स, अजा की जगह स, स चरती। छात्रा लिखती, छात्रा लिखती, छात्रा की जगह क्या हो जाएगा स, छात्रा की जगह क्या हो जाएगा स, स लिखती। कृषकः गच्छन्ति, कृषकः गच्छन्ति, कृषकः की जगह क्या हो जाएगा ते, कृषकः की जगह सर्वनाम क्या आएगा ते। देखिए फर्स्ट है सह, सह कूजति, तह नृत्यन्ति, स चरती, स लिखती, ते गच्छन्ति। तो बच्चों ये थी आपकी इस लेसन की एक्सरसाइजेस, इसकी सारी एक्सरसाइजेस आपको कॉपी में करनी है, शब्द और सारी एक्सरसाइजेस आपको कॉपी में करनी है। तो बच्चों ये लेसन आपका यहाँ पर फिनिश होता है, थैंक यू।